नमस्कार दोस्तों टीचर सिंह में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी स्कूल में जो टीचर्स का जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है एक नहीं पांच पांच आर्मी स्कूल में अभी वैकेंसी निकला है और सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए पीजीटी टीजीटी पीआरटी एलडीसी और अदर्स जितना भी सारे टीचर्स का पोजिशन होता है सारे के सारे टीचर्स का पोजिशन अभी भी वैकेंसी है तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और एक एक करके सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं तो ये आप देख सकते हो मैंने सारे के सारे जो स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल है मैंने इसको ओपन करके रखा है तो तो चलिए पहले राइट साइड से शुरू करते हैं ये एडवर्टाइजमेंट ये है ये है आर्मी पब्लिक स्कूल ये है गुजरात में सुरेंद्र नगर गुजरात का ये है आर्मी स्कूल तो इसका जो ओपनिंग जो आया है आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा आप नीचे आओगे यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट करेंट न्यूज एडप्ट वैकेंसीज तो मैंने इसको ओपन करके रखा है तो मैंने यहाँ दिखा देता हूं आपको तो ये आप देख सकते हो ये है इसका नोटिफिकेशन आर्मी पब्लिक स्कूल का नोटिफिकेशन हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं देखिए मेंशन किया गया है सेवन इंटू पी आर टी एडोक पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट विथ बी डी एंड फिफ्टी परसेंट मार्क वन काउंसिलर वन स्पेशल एजुकेटर क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई नॉर्म्स

और ऑनलाइन इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन भी सबमिटेड विथ डी डी ऑफ एक सौ रुपया का आपको एक डी डी बनाना पड़ेगा तीस जून से पहले डेट जो है अभी भी बहुत दिन बाकी है अभी मई मही महीना चल रहा है अभी तीस जून से पहले आपको वहां मिलना चाहिए द सिलेक्शन वुड भी डन बाई बी फाइनल इंटरव्यू डेट फॉर कैंडिडेट टेलीफोनिकली और बाई मेल तो ये आप देख सकते हो जो जो भी अप्लाई करना चाहते हो जो भी नजदीक एरिया में हो वो आप जाकर स्कूल में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो नहीं तो इस जो वेबसाइट है इस वेबसाइट में जाकर भी आप यहाँ डिटेल्स में देख सकते हो यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैं इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहां से आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो तो ये गया पहला सेकंड ये है आर्मी स्कूल तेलंगाना सिकंदराबाद का यह है आर्मी स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम यह सिकंदराबाद तेलंगाना में तो यहां आप थोड़ा सा नीचे जाओगे यहां देखिए लेफ्ट साइड में यहां सा से मेंसे, मेंशन किया गया है वैकेंसीज एप्लीकेशन टीचिंग स्टाफ एप्लीकेशन एडमिन स्टाफ तो ये जो वैकेंसी ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका ये पेज ओपन होगा यह है इसका रिक्वायरमेंट तो यहां आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया है इनवाइट एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी टीचर देख सकते हैं आप कितना सारा वैकेंसी है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी होम साइंस इकोनॉमिक्स देन साइकोलॉजी मैथ इन्फॉर्मेटिक्स पार्टीज फिजिकल एजुकेशन फाइन आर्ट एक्सपीरियंस क्वालिफाइड टीचर्स टू टीच सीनियर सेकेंडरी मीन्स एक्स आई एंड डबल एक्स आई इलेवन ट सीबीएसई क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट विथ फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट प्लस रिकॉग्नाइज डिग्री इन एजुकेशन ठीक है बाकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजी टी टीचर चाहिए जैसे कि इंग्लिश हिंदी संस्कृत सोशल साइंस हेल्थ एंड वेल्थ टीचर देन एक्सपीरियंस क्वालिफाइड टीचर टू टीच सेकेंडरी स्कूल आठ से लेकर दस तक ग्रेजुएट विथ फिफ्टी मार्क्स फिफ्टी परसेंट मार्क्स सब्जेक्ट प्लस रिकोगनाइज डिग्री इन एजुकेशन यहां भी बी आपको जरूरी है ठीक है इस प्रकार प्राइमरी टीचर पीआरटी टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए चाहिए जैसे कि कंप्यूटर साइंस में क्वालिफिकेशन टीचर्स टू टीच ऑल सब्जेक्ट इन प्राइमरी क्लासेस सीबीएसई क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद फिफ्टी परसेंट मार्क इन ऑल सब्जेक्ट प्लस रिकॉग्नाइज डिग्री इन एजुकेशन नोट फॉर ऑल टीचर फैकल्टी प्रिफरेंस विल बी गिवेन टू ए डब्ल्यूस सी एस बी स्कोर कार्ड होल्डर्स एज ऑन फर्स्ट अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन फ्रेश कैंडिडेट बिलो फोर्टी ईयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट फिफ्टी सेवन ईयर्स तो बाकी सारे के सर आप डिटेल्स आप देख सकते एक लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी है, है एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का भी वैकेंसी एक कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन का भी वैकेंसी है जिसके लिए मिनिमम प्लस टू चाहिए तो टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग में भी बहुत सारा वैकेंसी है यहाँ भी आप देख सकते हो स्कूल का जो पोर्टल एड्रेस है ये है ऑफिशियल जो टेलीफोन नंबर है ये मेंशन किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म सर अवेलेबल इन द स्कूल वेबसाइट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द जेरॉक्स कॉपी ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस

इसके साथ आपका जितने भी सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है इसको अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा और इसका लास्ट डेट क्या है फिफ्थ जून ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड देन हम आते हैं थर्ड में थर्ड में ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल है ये है भोपाल में मध्य प्रदेश भोपाल में ये आर्मी स्कूल है मध्य प्रदेश भोपाल में ठीक है हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे यहाँ देखिए जो नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है नोटिस बोर्ड पर आप देखोगे यहाँ एक वैके वैकेंसी लिखा हुआ है इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे ये पेज आपका ओपन होगा यहाँ देखिए यहाँ भी ऐसे बहुत सारा पोजीशन खाली है अपलीकेशन फॉर आंटिपेटेड वैकेंसी फॉर द सेवेंटी ऑफ ट्वेंटी टू आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल इंग्लिश मीडियम सीबीएसईटेड ठीक है बेसिस टू द फॉलोइंग पोस्ट तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं पीजीटी इंग्लिश इकोलॉजी देन हिस्ट्री फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर एंड इन बीई डी होना आपका जरूरी है और इसका जो सैलरी आपको रहेगा थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड रहेगा टीजीटी इंग्लिश हिंदी संस्कृत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिस्ट्री जियोग्राफी पोलिटिकल साइंस एंड फ्रेंच फिफ्टी परसेंट मार्क इन ग्रेजुएशन और हायर डिग्री इन द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर एंड बीई डी रहेगा फोर था प्लस डी ए कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्वेंटी टीचर कंप्यूटर साइंस एंड अदर्स हिंदी एंड कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन हायर डिग्री प्लस आपका बी डी और डीईडी होना चाहिए इसका भी सैलरी रेंज वही है थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी प्लस डी ए फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर एडॉक के लिए ठीक है जूनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर जेपी -टी, ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन और बीपीईडीड बाई रिक्ड यूनिवर्सिटी और डीपीईडी होना चाहिए और एडव के लिए ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हो स्पोर्ट्स के लिए जो कोच है एथलेटिक बास्केटबॉल फुटबॉल कराटे स्केचिंग स्केटिंग एंड टाइकोन्डो योगा इसके लिए भी चाहिए नीचे आप देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर चाहिए ग्रेजुएशन विध बी होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन देन टीजीटी और टेक्नीशियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में इसका भी सैलरी आप देख सकते हो कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन देन रिसेप्शनिस्ट देन साइंस लैब अटेंडेंट देन नर्सिंग असिस्टेंट बाकी सारे के सारे और ऊपर जितने भी सारे जो टीचिंग पोजिशन है टीचिंग पोजिशन का जो एज यहाँ लिखा गया है बिलो फोर्टी ईयर्स फॉर फ्रेश कैंडिडेट एंड लेस देस एक्सपीरियंस एंड बिलो फेट सर टीचिंग के लिए नोट देख लेते हैं सी एस बी एंड सीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट अपलाइंग टीजी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट अदर्स वुड बी अपॉइंटेड ऑन एड इफ सिलेक्टेड यदि आपके पास सीएसबी और सीटीईटी का आपने uh, एग्जाम दिया है क्वालिफाई किया है तो यह बहुत अच्छा है वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर इज मैंडेटरी फ्लूएंस इन इंग्लिश एंड द कॉमन स्किल्स आर डिजायरेबल उसके बाद लास्ट डेट टू सबमिशन ऑफ द एलॉन्ग विदोटो कॉपीज ऑफ द मार्कशीट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सी एस बी स्कोर कार्ड एंडिमांड ऑफ हंड्रेड रुपीज यहाँ आपको हंड्रेड रुपीज देना पड़ेगा फेवर ऑफ प्रिंसिपल ये एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा ट्वेंटी टू मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये है इसका लास्ट डे ठीक है ट्वेंटी टू ये इसका लास्ट है एंड हार्ड कॉपी नो एप्लीकेशन वुड बी एक्सेप्टेड देयर आफ्टर तो इसका लास्ट डेट है जो ट्वेंटी टू में तो आप कोशिश कीजिए इससे पहले आपको भेजने के लिए एंड जो भी शॉर्ट लिस्ट होगा उसको ई मेल के थ्रू में उसको बता दिया जाएगा नेक्स्ट प्रोसीजियर के लिए बाकी सारे के सारे डिटेल्स आप यहाँ से देख लेना बाकी यहां का जो भी आपका कुछ कोरी होगा यहां ई मेल है और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है आप यहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो यह गया भोपाल का नेक्स्ट नेक्स्ट यह है कपूरथला पंजाब यह कपूरथला पंजाब का आर्मी पब्लिक स्कूल यहां देखिए यहां जो स्क्रॉलिंग कर रहा है यह इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा ये डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यह डिटेल्स यहां आपको मिल जाएगा तो मैंने इसको ओपन करके रखा है यहाँ दिखा देता हूँ देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल कपूरथला इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूं। ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली उन्होंने पेपर में दिया था उस पेपर का कटिंग है यह तो आर्मी पब्लिक स्कूल कपूरथला रिक्वायर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑन एडहॉक बेसिस जैसे कि आप देख सकते हो तो पीजीटी इंग्लिश इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस कॉमर्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट विथ ए सब्जेक्ट विथ एम्प्लॉयमेंट इज सॉफ्टवेयर आपका पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ आपके पास बी होना चाहिए और फिफ्टी परसेंट मार्क टी जी टी साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएट के साथ साथ आपके पास बी डी होना चाहिए फिफ्टी परसेंट मार्क के साथ देन काउंसिलर ग्रेजुएट के साथ साथ देन साइकोलॉजी विथ ए सर्टिफिकेट और द डिप्लोमा होगा तो अच्छा है स्पेशल एजुकेटर लाइब्रेरियन देन पीआरटी संस्कृत, देन अकाउंटेंट ईएमएस ओनली देन एलडीसी ईएसएम ईएसएम ई एस एम एम ई ओनली ग्रेजुएट विथ टेन ईयर्स ऑफ सर्विस एज ए क्लर्क ये एक्सपीरियंस चाहिए सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट बिलो फोर्टी ईयर्स होना चाहिए फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस वालों के लिए फिफ्टी सेवन ईयर्स सैलरी एज पर द ए डब्ल्यू ई एस रूल्स आर्मी स्कूल के हिसाब से जो भी सैलरी मिले मिलेगा आपको वही मिलेगा

मे से लेकर जून के बीच में होगा द स्कूल मैनेजमेंट रिवर्स द राइट टू रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज एंड कैंसिल एनी वैकेंसी विदाउट असाइनिंग एनी रीजन तो ये हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल इन द स्कूल ऑफिस फॉर वन हंड्रेड रुपीज तो स्कूल में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा एक सौ रुपया में सेम में ऑल्सो भी डाउनलोडेड फ्रॉम द आवर वेबसाइट तो यहाँ से आपको वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा यहाँ जो स्क्रॉलिंग कर रहा है यहाँ आपको मिल जाएगा मैं थोड़ा इसको साइज छोटा कर लेता हूं यहां आपको जो स्क्रॉलिंग हो रहा है यहाँ आपको मिल जाएगा ठीक है यह था पंजाब कपूरथला और इसका लास्ट डे क्या मैंने बोला अभी ये ट्वेंटी ट्वेंटी तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ये है एक्चुअली यह है एयरफोर्स का स्कूल वो था आर्मी का स्कूल यह है एयरफोर्स का स्कूल और ये भी है गुजरात जामनगर में एयरफोर्स स्कूल जामनगर गुजरात में तो इनका भी वैकेंसी निकला है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यहां बहुत सारा अनाउंसमेंट चल रहा है इसी अनाउंसमेंट में आप देख सकते हो एक एडवर्टाइजमेंट देखिए ये है वैकेंसी का अनाउंसमेंट वैकेंसी ओपन इन एयरफोर्स स्कूल इन जामनगर तो मैंने उसको ओपन करके रखा है तो यहां मैं आपको दिखा देता हूं देखिए ये है इसका वैकेंसी यहाँ आप देख सकते हो एयर फोर्स स्कूल जामनगर इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फॉर एकेडमिक ईयर एक्डेमिक्वेंटी ट्वेंटी पीजी टी टीचर किया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी पीजीटी बिजनेस स्टडीज वन वैकेंसी है मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल विथ फिफ्टी परसेंट मार्क्स और उसके साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री चाहिए इक्वेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट कॉलेज यूजीसी नेशनल काउंसिल शूड इन एज इक्कीस से पचास के बीच में होना चाहिए वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंट कैंडिडेट विल बी गिवेन एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम ऑफ फाइव ईयर्स वुमेन के लिए और फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा कैंडिडेट्स एटलीस्ट टू ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस आज पीजीटी और टी और थ्री ईयर्स पी आर टी एन टी टी इन एनी ईयर फॉर स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग इन एनी ईयर फॉर स्कूल विल बी गिवेन द रिलैक्सेशन अप टू द एक्सटेंड ऑफ सच सर्विस स्कूल तो आपको ये फैसिलिटी आपको मिलेगा शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुंटली इन इंग्लिश डीजरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ आप देख सकते हो कंप्यूटर में थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए हिंदी लिखना पढ़ना आना चाहिए सी टी ई टी ए सीई टी य तो अच्छा है उसके बाद नीचे चलते हैं पी आर टी वैकेंसी वन पैनल वैकेंसी यहाँ देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी किसी भी बैचलर डिग्री और उसके साथ साथ बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए बाकी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है यहाँ से थोड़ा सा देख लेना एन टी टी टू देन सीनियर सेकेंडरी नर्सरी टीचर क्वालिफिकेशन यहाँ देख लेना हेल्पर नॉन टीचिंग में आ गया ये देन पीजीटी हिस्ट्री मास्टर डिग्री इन यूनिवर्सिटी उसके बाद पी डी सॉरी आपका जो बी डी होना जरूरी है बाकी क्वालिफिकेशन देख लेना पीजी टी पोलिटिकल साइंस पी जी टी साइकोलॉजी

ठीक है और बाकी जो भी प्रॉब्लम है आप इस ई मेल आई पे यदि कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको पूछ सकते हो और इसका जो नोटिफिकेशन आपको जैसे मैंने बताया यहां से आप मिल जाएगा अनाउंसमेंट पे नहीं तो आप यहां ऊपर भी आओगे ऊपर भी यहाँ देखिए यहाँ के मेंशन किया गया जॉब्स आप जब जॉब्स के ऊपर भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा ठीक है वैकेंसी वही नोटिफिकेशन तो ये था सारे के सारे पांच स्कूल का नोटिफिकेशन जितना जल्दी हो सके आप इसको फॉर्म फिलअप कर लीजिए बाकी सारे के सारे जिसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप इसको देख लेना जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये टीचर्स इन चैनल ये फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए जो भी एक अच्छा टीचर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए फुल्ली डेडिकेटेड है यहां हम टीचर्स से रिलेटेड बहुत सारे स्टडीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और नीचे जो हमारा सोशल मीडिया साइज दिया गया है इसमें आप फॉलो कीजिए तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा थैंक यू All the best.